बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को वर्तमान कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर के साथ अंतरिम जमानत की अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले दोनों नेताओं को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। लखनऊ में बदमाश बाइक की डिक्की से 4 लाख रुपए साफ कर गए हैं। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब पीड़ित बाइक खड़ी कर बाजार से सब्जी खरीदने लगा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल थी, उसमें डिग्गी और कपड़े की डिग्गी थी, वो खुली हुई थी। उस थैले में 4 लाख रुपए थे, वो निकाल के दोनों लोग चले गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अभियुक्तों का हुलिया, मोटरसाइकिल का मेक और बहुत सारा एविडेंस अभी हमको मिल गया है। अभी तत्काल मौके के सभी सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। घटना का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है चोरी की धाराओं में, और बहुत जल्दी हम लोग अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माल और मुलजिम की गिरफ्तारी कर लेंगे। गोंडा में एक मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया है। बीएएमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हलदार कल शाम से अपने हॉस्टल से लापता है। गौरव के परिजनों को अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 70 लाख की फिरौती मांगी है। पीड़ित परिजनों से इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई है। मामला सामने आने के बाद ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। छात्र का पता लगाने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की है, जो लापता छात्र की तलाश कर रही है। फिर कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में है, और तो समझ आए। फिर हम क्या दो एक बार पूछे, फिर समझ आया क्या कह रहा हूँ, तेरे बेटे मेरे कब्जे में है। और 22 तारीख तक हम फ़ोन करेंगे, 70 लाख रुपया इकट्ठा करके रखना। दोपहर में इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। इसमें एक फिरौती के लिए कॉल आया था, उसकी जानकारी उनके परिजनों ने दी, उनके परिजन ने दी है। इस पर हमारी टीम काम कर रही है, जल्द ही हमारी टीम घटना का अनावरण करेगी।